को बड़ा झटका लगा है। खूनी लड़ाई में रूस को भारी नुकसान हुआ है। 24 घंटे से लड़ाई जारी थी जिसमें बताया जा रहा है 1200 रूसी सैनिक मारे गए हैं, 1200 रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूरोपीय मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। और खार्किव में किस तरह से कोहराम मचाया यूक्रेनी सेना ने, कोहराम मचाया है, किस तरह झटका लगा आपको बताते हैं। खार्किव में रूसी सेना पर यूक्रेनी सेना का कहर बरपा है। मिसाइलों और ड्रोन अटैक की चपेट में रूसी सेना आ गई है। अमेरिकी टैंक आर्टिलरी से रूसी सेना पर हमला हुआ है। 24 घंटे में 1200 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई है। हमले में 16 रूसी टैंक, 48 तोपखाने तबाह हुए हैं। पुतिन का जो जंगी प्रण है अब वो क्या है कि खार्किव पूरी तरह इस पर कब्जा होना चाहिए, संपूर्ण कब्जा होना चाहिए। पुतिन ने 50,000 से ज्यादा सैनिकों को खार्किव में उतार दिया है। यूक्रेनी हमलों के जवाब में 400 कैमिकाजी ड्रोन से हमला हुआ। भीषण जंग के बीच 10,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया और दस्तान के हवाले से ये खबर है। अब खार्किव में यूक्रेन की हार अब तय माना जा रहा है। ताबड़तोड़ मिसाइल हमले और बम की बरसात से खार्किव में तबाही भी जारी है। यूक्रेनी सेना लगातार पीछे हट रही है तो वहीं आम लोगों की मौत की वजह से खार्किव से पलायन जारी है। यूक्रेन ने कई सैन्य मोर्चे पर पलटवार किया है। डोनेस में रूस ने नए गांव पर कब्जा कर लिया है तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने फिर रूस को एक एयरक्राफ्ट गिरा दिया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर्फ 24 घंटे बाद ही खार्किव के बड़े हिस्से पर कब्जे का ऐलान किया जा सकता है। खार्किव के आसमान से मिसाइल और बम की बरसात की रफ्तार अब और तेज है। जमीन जल रही है, इमारतें ढह रही हैं। यूक्रेनी सैनिक जमीन पर पलटवार की लाख कोशिश कर ले, लेकिन बगैर आसमानी कवच के खार्किव को बचा पाना मुमकिन नहीं। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 24 घंटे में यूक्रेन खार्किव का बड़ा इलाका गंवा सकता है। रूसी रक्षा मंत्रालय खार्किव पर कब्जे का ऐलान कर सकता है। खार्किव के लाखों लोग यूक्रेन के दूसरे शहरों में शिफ्ट किए जा चुके हैं। गुरुवार को खार्किव पर लगातार कई हमले हुए। रूस की सेना का हौसला तोड़ने के लिए यूक्रेनी फोर्स ने भी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन रूस का खार्किव मिशन अपनी रफ्तार और रणनीति से आगे बढ़ रहा है। खार्किव के वॉबचैंक्स में 7 लोगों की मौत हो गई। रूस के मिसाइल हमले में 20 लोग जख्मी हो गए। रूस S-300 की पुरानी मिसाइलों से जमीन पर हमले कर रहा है। खार्किव के शेवचेनकीव में गाइडेड बम के हमले के बाद भयंकर तबाही मची। रिहायशी इलाकों में लगातार बमबारी से दहशत बढ़ती जा रही है। खार्किव में आम लोगों की मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। खार्किव में तबाही के बीच यूक्रेन के कई और प्रांतों में भी रूस के हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन के हथियारों और सैन्य मोर्चे पर हमले के लिए रूस की जैपर्ड फोर्स तैनात की गई है। आर्टिलरी से लैस ये बटालियन रूसी कमांड का इंतजार करती है और ऑर्डर मिलते ही MLRS से ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर देती है। चासिव यार में रूस के हमलों के बाद यूक्रेन रोबोटिक टैंक और वाहनों का इस्तेमाल कर रहा है। आसमान से चासिव यार की निगरानी करने वाले ड्रोन की नजर यूक्रेन के ऐसे ही एक रोबोटिक वाहन पर पड़ी।
इस रोबोटिक वाहन से चासव यार में यूक्रेन ने बारूद और हथियार पहुंचाया था। अब टारगेट देखने के बाद रूस के ड्रोन से सबसे पहले इस रोबोटिक वाहन के करीब 2 ग्रेनेड को ड्रॉप किया गया। 2 धमाकों से रोबोटिक वाहन को मामूली नुकसान पहुंचा। रोबोटिक वाहन में खराबी आने और एक जगह रुक जाने के बाद कामिकाज़े ड्रोन को भेजा गया और इसे तबाह कर दिया गया। डोनेस में रूसी फौज को नई कामयाबी मिली है। यहाँ अंद्रेवका गांव में यूक्रेनी फौज महीनों से मजबूती के साथ डटी थी, लेकिन रूस के लगातार प्रहार के बाद यूक्रेनी बटालियन को इस इलाके से पीछे हटना पड़ा है। अंद्रेवका के चारों तरफ रूस ने PM-21 ग्रैड MLRS की तैनाती की हुई है। लगातार रॉकेट प्रहार से रूसी सेना ने इस इलाके के कोने कोने को दहला दिया है। रूस के हमले में 100 सैनिकों की मौत हुई है। 3 आर्मर्ड व्हीकल, टैंक और कई मोर्चे तबाह हो गए। अंद्रीवका में यूक्रेनी कमांड सेंटर को भी रूस ने भस्म कर दिया। हालांकि खार्किव को लेकर यूक्रेनी आर्मी चीफ बड़ा दावा कर रहे हैं। उनके मुताबिक खार्किव में जमीनी लड़ाई में यूक्रेन और रूसी सैनिक आमने सामने हैं।